अंदर आरती चल रही है, आरती करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। एक मंदिर का चक्कर लगाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आपके साथ मनीष राज। तो अभी मैं आया हूँ शिवजी मंदिर में, हरे कालों के काल महाकाल के मंदिर में आया हूँ मैं। और अभी मैं मंदिर के चक्कर लगाता हूँ। मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, आरती हो रही थी उसी समय पे आ गया था मैं। मैंने मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं। बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट भी करा था, आप कौन सी बाइक पे राइड करते हो और आपकी बाइक का माइलेज क्या है। तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि तो ये है मेरी बाइक जो है बजाज डिस्कवर, और ये 2011 में उठाई थी हमने, पापा ने ली थी। माइलेज 60 के अराउंड मेरे को पड़ जाता है माइलेज, और बहुत अच्छी कंडीशन में है मेरे पास, क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विस होते रहती है। तो मैंने दर्शन भी कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं घर। मैं सब नहा धो के फ्रेश होके आया था, दर्शन भी हो गए मस्त। The next day. चलो पे, मैं यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं आकाश की दुकान पे। तू चल, मैं आया 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 हाँ। श्याम भाई जी चलें। ये तू तो भूल ही गया यार, मैं तेरे से हाथ मिलाना। सब बढ़िया है ना? ले चलें। ओए पटेल जी, टाइम हो रहा है, चलें कि नहीं चलें? चलें। के नाम से यहाँ लेके आया। चलो डालो, तुम हवा तो डालो। अरे यार, वो क्या है, एयर काम है, वो मिली करने के लिए एयर काम करी थी। हाँ
भाई हम आ गए जंक फूड में। अरे वो भाई अब तो मिल गया क्या? चलते हैं वो भाई रेडी के वहां से ना ग्लव केटीएम के। अरे केटीएम वाले और भी शानदार रहते हैं। केटीएम वाले ज्यादा करके छपी बोलते हैं। कितने का थे ये? अरे इसकी प्राइस क्या भाई? 350 केटीएम 350 देते तो आते हैं। चलो सब राइड के हैं ये। ये वाले कैसे हैं? ये वाले ये देखो ना, ये वाले पूरा ऑरेंज वाले भी गजब के दिखते हैं। मेरे ऑरेंज बहुत अंगार दिखते हैं। क्या प्राइस है इनकी? 280 अरे भाई क्या हाँ बोले बेकार दिखते हैं। लगा ना हाँ बोले वजन तो बहुत लगता होगा हेलमेट में। हाँ वो शुरू शुरू में पहनो तो वजन लगता है लेकिन फिर आदत हो जाती है। पहनते रहो ना डेली तो फिर आदत हाँ नहीं मतलब जब कभी भी मूड बनता है कि नहीं यार राइड पे जाना है तो पहन लो निकल जाओ। और वैसे भी अगर नॉर्मल भी आपको लंबा जाना है तो पहन के चले जाओ। हाँ बताओ कौन से लें तुम जो फाइनल कर दो। मैं तो फाइनल कर दो। ये वाले पसंद आ रहे हैं। कौन से? ये वाले 350 कितने के? 350 के ना। 300 के लगा देंगे। ये वाले पैक कर देना। केटीएम के सपोर्ट भी है ना। सपोर्ट ये क्या जैसे अपन अगर फेंकाए ना तो ये क्या फटने के चांसेस कुछ ज्यादा रहते हैं। ग्रिप नहीं मिलेगी। बाहर भी जाते हैं। मैं जब ट्रेवल करता हूँ ना जब मैं शूट करता हूँ। आज तो ये भाई ने बोला कि चलो तो हरदा में शूट कर लिए ना। गुप्तेश्वर मंदिर घूमने के मजा भाई बच्चा रिएक्शन अच्छे मांग रहा मतलब वीली करने को लगा डर लगा वीली करने को बोलेगा लेकिन वीली करने का नहीं बोला तो चलो भाई अच्छा वो सिर्फ चैनल का नाम पूछने आया था। भाई का चैनल का नाम भी पूछा मेरे चैनल का नाम भी पूछा और मजा आ गया। वीली करने का बोलता वीली भी कर देते अपन। और अगर वो वीली करने का बोलता तो हम करते उनके लिए। जय भोले बाबा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चले हमारे जो तो भाई देख सकते हो बहुत अच्छा मंदिर है गुप्तेश्वर मतलब हरदा का अच्छा मंदिर है। और भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मुझे तो आप ना मतलब सपोर्ट बहुत कर रहे हो मुझे अच्छा लगा लेकिन भाई को भी सपोर्ट करो भाई। जल्दी सब्सक्राइबर गेन कराओ 1K 2K सब 100K करवा दो भाई मैं बोलूँ तो। आप मूर्तियाँ आज देखें आप बहुत सारी यहाँ पर भी बहुत से ऋषि मुनि की मूर्ति है हमारे शिव जी और पार्वती जी और ये चांदी के रथ और घोड़े और ये शिव जी की भाई सिया राम हमारे राम जी सीता जी लक्ष्मण जी माता जी ये काली जी माता ये भाई कृष्णा राधा साईं बाबा भाई जी सबको हमारा प्रणाम। और इधर शिवलिंगों के दर्शन कीजिए बहुत सी शिवलिंग है यहाँ पर दर्शन कीजिए बहुत सी शिवलिंगों मतलब यहाँ पर सारे रूप बताए गए हैं भोले बाबा के हमारे जो हर हर महादेव हैं उनके बहुत से रूप की शिवलिंग यहाँ पर बताई गई है। आप देखने ज़रूर आए अगर आप हरदा में रहते हैं तो जितना आप देखने आएंगे उतना मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा देखने में आपको। अरे बजरंग बली जी देखिए और यहाँ पे माता जी का मंदिर है ये पेड़ है और ये गणेश भगवान उनके पीछे शेषनाग और मूषक जी भी हैं और शिवलिंग ये यहाँ पर सबसे बड़ी शिवलिंग है पूरे हरदा में यहीं पर आपको इतनी बड़ी शिवलिंग मिलेगी गुप्तेश्वर मंदिर में और बहुत बड़ी शिवलिंग है। उनके सामने नंदी जी भी हैं छोटा सा सामने पार्क भी है वहाँ पे
और एक मंदिर ये भी है, ये कौन सा हमारे बजरंग जी का मंदिर है। जय श्री राम। ये आप देख लीजिए बजरंग जी का मंदिर है, मस्त मस्त मज़ेदार। और बस इतने ही घूमने आए थे हम तो वैसे ही नॉर्मली। और ये हमारे भाई राइडिंग बहुत अच्छी करते हैं और भाई के फॉलोअर्स भी बहुत बढ़िया है, गेन हो रहे हैं जितने मेरे नहीं हो रहे। भाई ये तो पब्लिक का सपोर्ट है यार, पब्लिक का प्यार है कि इसकी वजह से इतना लेवल तक ला रहे हैं भाई, है ना। फिर वीडियो कंटेंट भी वैसा है ना आपका, वीडियो कंटेंट भी वैसा है ना भाई साहब, ऐसा वीली वीली सब तो सिखाते हैं, आपको सीखने वाली चीज़ बताते हैं आप सभी को, और क्या चाहिए, है ना। चलें फिर, चलो देखो। भाई जी रास्ता भूल गए थे, अब भाई जी आए हैं, चलो चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बजरंगबली क्या होते ठीक है, मंदिर आए भाई जी, बढ़िया बढ़िया। चले ना, ये हमारे हरदा में सबसे पुराना मंदिर कहला था, और यहीं पे तो चलो तुम निकलो, मेरे को इसको भी घर पटकना। अच्छा घर पटकना, हाँ।